नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम लिमिट। मैं पुनीता मिश्रा, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दबंगों की दबंगई से परेशान महिला कोटेदार ने खटखटाया जिलाधिकारी का दरवाजा। जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम पंचायत नगवा खजुरिया विकासखंड नौगढ़ में अब तक सुना जा रहा था कि कोटेदार राशन नहीं देता और कार्ड धारक का राशन बेच लेते हैं। यहां तो देखा गया, ग्राम प्रधान ने महिला कोटेदार की दुकान से जबरन ग्रामीणों में हल्ला हल्ला बोल लुटवा दिया, जिसका खामियाजा कोटेदार को भुगतना पड़ रहा। इतना ही नहीं, एक तरफ से गल्ला लूट जाने के कारण गायब, दूसरी तरफ बिना वितरण रजिस्टर अधूरा, पास मशीन खाली, रिपोर्ट खाली, अब कहां जाएं कोटेदार और क्या दें प्रशासन को जवाब। ऐसे में महिला कोटेदार दर दर भटकने पर मजबूर है। वहीं महिला ने इसकी शिकायत उपजिलाधिकारी नौगढ़, जिला पूर्ति अधिकारी सिद्धार्थ नगर व थाना सिद्धार्थ नगर में अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नजर नहीं आई। मजबूरन महिला कोटेदार ने जिलाधिकारी से अपनी शिकायत लेकर पहुंची, जहां पर जिलाधिकारी सिद्धार्थ नगर ने न्याय के लिए आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही होगी। 20 किलो तो 20 किलो गल्ला आप कैसे लिए, अंगूठा लगा के लिए थे कि नहीं? कार्ड हमारा 20 किलो का था। हाँ। जिसमें तीन नाम कट गया है। अच्छा, एक ही नाम है, उसको अलाउ करा है। तो एक नाम पे 5 किलो गल्ला मिला, तो कैसे आपको गल्ला मिला? अंगूठा लगाए थे कि बगैर अंगूठे गल्ला आप लिए थे? बगैर अंगूठे का है, बगैर अंगूठे लिए मशीन से क्यों नहीं मिला आपको? जो कर रहे थे वही हम लेते चले। कौन कर रहा था? प्रधान जी। मतलब प्रधान जी कहे कि बगैर अंगूठा लगाए गल्ला ले जाइए? अरे सबको लटवा रहे थे, मतलब सबको बगैर अंगूठे का, वैसे सूची में नाम देख के और बटवा रहे थे खड़े हो। तो सूची में तो भी आपका नाम रहा होगा? सूची में हमारे औरत का नाम नहीं, तो आप जो कार लेकर गए थे उसमें एक ही नाम था कि चारों नाम था? एक ही नाम था। मतलब प्रधान जी बगैर अंगूठा लगवाए आपको गल्ला दिलवा दिए? नाम का आपके? संतरा। और कार्ड किसके नाम से? केवल पाती संतरा। केवल पाती। किस गांव के हैं आप? नगवा। कौन गाँव है? नगवा। ये बताओ जाए, आपकी बार गल्ला कैसे मिला आपके? गल्ला मिला है अंगूठा का, प्रधान जी बात। आपकी बगैर अंगूठा मिला, एकरे पहले कैसे मिला था? अंगूठा लगा पहले, अंगूठा मशीन में लगा था, आपकी मशीन में अंगूठा ना लगा पड़ा। तो ये कहीं की बगैर अंगूठा लगाए गल्ला ले? भाई प्रधान जी दिया था सबसे, तो मतलब प्रधान जी कह रहा की अंगूठा ना लगाओ गल्ला वैसे ले। क्या नाम है आपका? सीमा पांडे। पति का नाम? राजी पांडे। गांव कौन सा? नगवा। थाना कौन सा? सिद्धार्थ नगर। विकासखंड कौन सा? नौगढ़। मामला क्या है कि आप अधिकारियों के वहां दर दर भटक रही है न्याय पाने के लिए, मामला क्या है? जी 13 तारीख को साधु प्रधान जी ने मेरा खानदान लुटवा दिया। साधु प्रधान जी आपके गांव के प्रधान हैं? जी नहीं, ग्राम खजुरिया के प्रधान हैं। तो वर्तमान में प्रधान हैं? जी। प्रधान प्रतिनिधि नहीं, प्रधान स्वयं है। तो मामला क्या है? मामला यही है कि हम यहाँ सीएम के यहाँ डीएसओ के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, और पुलिस अध्यक्ष के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ, सबके यहाँ हम अपना दरखास्त दिए हैं और उन्होंने कोई भी कार्रवाई अभी तक किया ही नहीं है। ये मामला 13 तारीख का ही। क्या मुकामी थाने सिद्धार्थ नगर में आपने कोई तहरीर दिया? जी। क्या कोई कार्रवाई की थाने द्वारा? कोई सुनवाई ही नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। यानी प्रधान की दबंगई जोरों पे है और आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है? जी। तो ये बतलाइए, आपके पास मान लीजिए सरकारी तंत्र नहीं काम कर रहा है, तो आपके पास तो आपके जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, तो आप कहते हैं कि हम जेब में लेके घूमते हैं। यानी विधायक और सांसद को जेब में लेके घूमता है कोटेदार? नहीं, साधु प्रधान। मेरे कहने का मतलब है
कि आपके जिले के सांसद और विधायक को एक जो है प्रधान अपने जेब में लेकर घूम रहा है। कहता है कि हम डरते ही नहीं, तो हमारे डर ही नहीं है, कोई कार्रवाई की किया ही नहीं गया। नहीं, सिर्फ पूर्व में आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि आप खादान समय से नहीं बांटती है, अनियमितता है, तो क्या ये सही था? तो कुल मिलाकर जो उन्होंने गांव वालों को बहला करके आपके दुकान में लूट डाला दी।